नहीं नहीं माइकल दो के पास, उन्हें मेरी प्यारी सी हैकरल को किडनैप कर लिया, और वो मिस्टर के जिसने मेरी टीम को ज्वाइन किए पूरे एक दिन भी नहीं हुआ उसे मार पिया। तुमने तो कहा था कि माइकल हमारे टीम में ज्वाइन कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि माइकल मुझे धोखा देगा, जैसे उसने तुम्हें और मिस्टर के को दिया और उसे मार भी दिया। ये माइकल का बहुत हो गया है, ऐसे चलता रहा तो वो मेरे फ्रेंड फ्रैंकलिन और भी बहुत सारे फ्रेंड्स को धोखा देकर मार देगा। अब कोई नहीं मरेगा, अब सिर्फ माइकल मरेगा, और मैं तुम्हें पहला मिशन दे रहा हूँ ट्रेवर, जिसकी मदद से हम माइकल की लाइफ और उसके मेंशन और उसकी सारी पट्टी वाली सिक्योरिटी को एक ही झटके में मार देंगे। तो तुम रेडी हो ट्रेवर? मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ मास्टर, आप बस मुझे मिशन बताओ और वो काम मैं करके रहूंगा। Hey guys, welcome back to the video of GTA 5. तो यार कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग बढ़िया होंगे। So यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करना। और वीडियो को लाइक टारगेट है 1000 लाइक, जो कि आप नहीं कर रहे हो। यार आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप लोग सारी वीडियो देखते हो बट यार लाइक नहीं करते हो एंड शेयर नहीं करते हो, जो कि मुझे दिल से बुरा लगता है। So यार चलो कोई बात नहीं, आज आप लोग कर दोगे, आज आप पे भरोसा रखता हूँ एंड भाई जल्दी जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ। तो यार अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है ना, तो आपको बता दूंगा इस लास्ट एपिसोड में ना क्या हुआ था। सो गाइस लास्ट एपिसोड में भाई आप लोग को पता ही होगा, भाई हम लोग गए थे घोस्ट मास वाले के पास, जो अपना बहुत गंदा वाला पड़ा वाला दुश्मन है ना भाई। उसने मुझे फोन करके बुलाया और वो कह रहा है कि हमारी टीम वगैरह ज्वाइन कर लो, एंड फटाफट से मैं उसकी टीम वगैरह भाई ज्वाइन कर लेता हूँ। मतलब वो बहुत बड़ा वाला अपना दुश्मन है, बट वो हमेशा मुझे कहता है कि तुम मेरे टीम में आ जाओ, बट मैं उसकी टीम ज्वाइन कर लेता हूँ। बट ऐसे नहीं भाई, मतलब मैं टीम तो ज्वाइन कर लिया बट ऐसे ही चीटिंग, मतलब उसको धोखा देने के लिए मैंने किया। फिर उसको मैंने बोला कि मुझे छोटा मोटा काम है, उसकी हैकर गर्ल को मैं ले गया और उसको मैं इधर ले आया आपकी जो बनकर है ना भाई वहाँ पर, और उसको इतना पीटा अपनी हैकर गर्ल ने, उसको इतना मारा एंड उससे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली। बट यार उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी यार घोस्ट मास्क के वाली, उसने सिर्फ मुझे जो अपना फ्रेंड है जो जिसने अपने को धोखा दिया पिस्टर के, उसकी सारी लोकेशन वगैरह बतवा दी। एंड फिर गाइस मैं जाता हूँ लोकेशन की ओर, एंड वहाँ पर रात के टाइम ना मिस्टर के पार्टी कर रहा था, एंड वहाँ पे पुलिस वगैरह एंड इसकी सारी सिक्योरिटी वगैरह लगी थी। तो यार मैं सोचा उसको हम लोग फायर निकलने के टाइम मारेंगे, एंड फिर वो जैसे ही निकलता है ना, फिर गाइस हम लोग उसका चेज वगैरह करते हैं एंड साले को कुत्ते की मौत मारते, भगा भगा के मरते, इतना गंदा मरते हैं। अगर आप लास्ट वीडियो देखना बहुत मज़ा आएगा। फिर गाइस हम लोग उसको फाइनली यार मार देते, मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर गाइस हम लोग को फिर एक और इन्फॉर्मेशन देती है वो लोग, उसको इतना पीटते हैं ना हैकर गर्ल को, फिर वो हमें एक और इन्फॉर्मेशन देती है, जो हमारा गोल्ड वगैरह उसने चुराई थी ना, मतलब चुराया था ना जो अपना फ्रेंड मिस्टर के, जो कि दुश्मन बन चुका है उसके, हम लोग सीक्रेट बनकर पे जाते हैं एंड अपना जितना भी पैसा वगैरह है ना भाई सब कुछ वापस लाते हैं, वहाँ पर अपने ज़्यादा ही एनर्जी के बदले मर जाते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, अब देखते आगे का क्या सीन है। सो गाइज यहाँ पर ना अभी मैंने जो अपनी हैकर वाली गर्ल है ना उसको बोला है कि यार उसने मुंह वगैरह खोला है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि अब उसके पास ना कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है, उसको इतना टॉर्चर वगैरह किया है। और मैंने आप लोग को बोला था यार उसको मारना है कि नहीं, एंड आप लोग ने बोला है कि मार दो। बट यार गाइज मेरे को ना अब क्या ही बोलूँ यार, आप लोग भी बोल रहे हो कि उसको मार दो बेचारी को, बट यार और एक सेकेंड शिट एक सेकेंड कोई बात नहीं गाइज गलत टाइम पर चला गया यार, दरवाज़ा लगा भाई लॉक नहीं किया गया इन लोग ने, वैसे भी जाएंगे भी कहाँ लॉक गए, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है ना भाई कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो चलो यार वैसे भी गेट ओपन ही था आई थिंक, और भाई मैं गोली वगैरह चलाता हूँ भाई फटाफट से, मतलब गलत वाले टाइम पे ना मैं चला गया। एंड इसको मारने के लिए आप कह रहे हो यार, अब माइकल आपको पता है माइकल जो है ना वुमन पर गोली नहीं चलाता ना ही भाई, हाथ पर उठाता है, एंड आप लोग बोल रहे हो उसको गोली वगैरह मार दो, जो कि यार बहुत गलत है भाई। मैं तो भाई आपको पता है यार माइकल सिग्मा एंड खतरनाक बंदा है जो कि रेस्पेक्ट करता है वुमन्स की, बट यार मैं नहीं मार सकता यार इसको, आपको पता है यार गाइस, क्योंकि यार अपन जो है ना सिर्फ जो गुंडे वगैरह लोग हैं एंड उन्हीं को मारते हैं, जो इनोसेंट लोग हैं यार बेचारे उनकी उनको हम लोग नहीं मार सकते। तो यार एक काम करता हूँ मैं यार, रेड निंजा तू मार देगा क्या? रेड निंजा भाई इंडिया निंजा कह रहा है कि यार देखो अगर मैंने इसको मारा ना तो हमारे निंजा कम्युनिटी का नाम खराब हो जाएगा। यार ठीक है तू मत मार। अरे मैडम जी तुम ही मार दो उसको, ये कह रही कि ठीक है चलो मारते हैं यार। चलो ऐसे ये तो मान गई,
अब भाई लग रहा है ना ये हैकर गली इसको मारने वाली है ना। आप लोग भी यार क्या क्या काम करवाते हो मेरे से यार, इस कसम से आप लोग बोलते हो ट्रेवर को मार दो इसको मार दो यार, अभी अपने इतने सारे फ्रेंड मरेंगे तो यार गाइस फिर तो लोग समझेंगे यार माइकल ही बुरा है ना, सबको लगेगा माइकल ही धोखा दे रहा है, फ्रैंकलिन वगैरह को लगेगा। तो यार इसलिए गाइस समझ रहे हो, अभी मेरे को यार अपने फ्रेंड्स को तो मारना तो नहीं है, बट चलो यार शुरू कर दो यार। अब क्या करें, इसको तो मार ही देते वरना इसको अपनी लोकेशन तो पता चल गई है यार गाइस, मैं देख नहीं सकता बट चलो यार अब क्या ही करें। ठीक है यार वन, आप लोग के बोलने पे मैं इसको मार रहा हूँ अब। वन टू थ्री स्टार्ट कर दो फायरिंग हैकर गर्ल, स्टार्ट कर दो अभी इसी वक्त। यार ये भी डर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, करो फायर। अरे शेट गाइस हो गया गाइस, एंड आपके कहने पे हम लोग ने इनोसेंट की जान ले ली, बट धोखेबाज तो है गाइस ये। एक सेकंड, अरे यार वैस क्या क्यों नहीं मार रहे हो यार, मैं नहीं मार सकता, तुम तो यार लेडीज हो ना, तुम तो मार ही सकते हो, वुमन वुमन को मार ही सकती है। एंड पता नहीं यार इसको क्या हो गया है भाई, मुझे नहीं पता यार, लग रहा है गाइस अब क्या करे यार। शिट भाई अब इसको मारना तो होगा ना, अब इसको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो पता चल गई अपनी बनकर वगैरह की। अब यार गाइस ये भी ना शिट मैन, यार एक काम करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको इधर ही भाई पैक करके रखो भाई, अब इसको जो होगा देखा जाएगा गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई बिल्कुल ही ना, अब क्या ही बोले यार। ठीक है अब इसको बंद ही रखते हैं, ये भी नहीं मार रही है, एंड हम लोग देखते हैं कोई और अगर होता है पावरफुल बंदा। और गाइस हम लोग ने जो उसके अपना जो बनकर है ना, उसके बनकर से अपना जो सारा का सारा पैसा है भाई वापस वगैरह ला लिया था, और वहाँ से हमको ड्रग्स वगैरह भी मिला है, वो आप ही आपको मैं दिखाता हूँ, बट वो इधर नहीं है, जो भी पैसा वगैरह है ना वो सब कुछ यहाँ पर हमने ला लिया है भाई। देख रहे जो अपना पैसा था ना भाई, वो साले ने जो अपना ट्रक वगैरह में था ना भाई, मतलब हेलीकॉप्टर उठा के ले गया था। सो ये देख रहे हो सारा का सारा पैसा वगैरह सब कुछ है, एंड इधर अपने पास गोल्ड वगैरह भी था, एंड एक इतना सारा अपने पास पैसा पड़ा है। तो आप लोग कह रहे हो ही कहा सिक्योरिटी वगैरह बाय करो, गोस्ट सिक्योरिटी। गाइस देखो यार गोस्ट सिक्योरिटी मैं बहुत ढूंढा बट मेरे को ना GTA 5 में मिल नहीं रहा है, पता नहीं यार गाइस मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही फाइंड कर रहा हूँ बट ना मुझे गोस्ट सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। अब पता नहीं कौन सी लोकेशन में मिलेंगी, मैं बहुत बार ट्राई किया उधर उधर गया बट मेरे को ना गोस्ट सिक्योरिटी नहीं मिल रही है गाइस। तो आप लोग को पता है तो मुझे लोकेशन वगैरह बता दो गाइस, क्योंकि मैं तो इतना ढूंढ गया हूँ अभी पता नहीं, अब मेरे को लग रहा है GTA Vice City में मतलब जाना पड़ेगा, लिबर्टी सिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है गोस्ट सिक्योरिटी कैसे दिखती है लिटरली गाइस, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ बट लोकेशन भी मुझे पता होनी चाहिए ना। बट चलो ठीक है यार अभी मैं ना अब क्या ही करें, अब अपने को जाना है अपना जो ड्रग्स वगैरह का जो धंधा चल रहा है ना गैंग्स में, और वो वाला देखते हैं, और अपने को बहुत कुछ करना है आज, प्लान वगैरह बनवाना है अपने गाइस, दुश्मनों की बैंड बजानी है, बिजनेस वगैरह करना है, बहुत कुछ करना है आज। ठीक है ना गाइस, तो यार वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग पूरी वीडियो वॉच ही नहीं करते हो, एंड मैं एक घंटे की वीडियो बनाता हूँ और आप लोग एक घंटे की वीडियो में से 10 मिनट का पार्ट देखते हो यार, जो कि दिल से बुरा लगता है गाइस। तो यार ऐसे मत करो, फुल वीडियो वॉच करो, अगर आप फुल वीडियो वॉच नहीं करोगे तो गाइस पूरी मेहनत पानी में जाएगी और लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचेगी। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार वीडियो को विदाउट स्किप के देखा करो गाइस, आपको सपोर्ट मिल जाता है। और जो मैं दूसरे चैनल पर जो वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब आज कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर भी सपोर्ट कर दिया करो यार, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई होप आप सपोर्ट करोगे ऐसे ही। एंड चलो फटाफट से ना अपने गैंग बेस के वाले के लोकेशन पे फटाफट से चलते हैं विदाउट कोई टाइम पास किए, लेट्स गो टू द लोकेशन। ऑल राइट यार फाइनली वी आर इन द गैंग बेस, और यहाँ पर अपना गैंग बेस को मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ करूँ गाइस, एक नया वाला बेस वगैरह खरीद दे, क्योंकि ये जो बेस है ना कुछ ज़्यादा ही डेजर्ट वाले एरिया में आ चुका है, मतलब ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। बट ठीक है यार, ठीक है चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके लिए भी कुछ करेंगे, अब ये लोग पैसा कुछ कमाएंगे तो हम लोग करेंगे ना, अभी सारा पैसा मैं इन पे लगा दूंगा तो फिर गाइस अपने पास घंटा बचेगा कुछ। तो चलो यार यहाँ पर गाइस हम लोग ओ शिट, अरे यार गाइस गलती से एक्सीलेटर दब गया, सॉरी एंड सॉरी भाई, गलती से ना एक्सीलेटर दब गया, अरे भाई ये क्या हो गया यार, ओ शिट ये पहले से टूटा था या अभी टूटा भाई, यार ये कसम से जो भी है ना ये बैटमैन वाला जो भी ये प्लेन है ना भाई साहब बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या ये भाई पूरा ही टूट गया, इसको भी रिपेयर कराना होगा, अभी ये बढ़िया बड़ा वाला गेट लगाना होगा इधर,
अच्छा ये देखो गाइस, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया ना, शेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलो, और आप लोग को एक और आज सरप्राइज मिलेगा आप लोग को। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, हम लोग ने एक बंदे को एक कपड़े गिफ्ट किए थे, एंड ये देखो गाइस, अपनी गैंग का नाम रेड किंग्स है, पहले रेड स्कल था, हमने अब हम लोग इसके लीडर बन चुके हैं, तो इसका नाम रेड किंग है। तो ये बंदा कौन है आप लोग बताना, आप लोग ने इसको देखा होगा। और तो ये अपना अपने गैंग का कमांडर है, जो कि सारा मैनेजमेंट वगैरह करता है, मतलब पैसा वगैरह सब कुछ जो होता है ना भाई, सब कुछ हैंडल वगैरह करता है। तो मैंने इसको जिम्मेदारी दी, अगर अपन तो सब लोग कर नहीं सकते ना इधर बैठे बैठे, क्योंकि अपने पास तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, अगर अपन लोग ही देखेंगे तो पूरा टाइम यहाँ पर ही जाएगा गैंग बेस पे। तो भाई मैंने इसको नए वाले कपड़े दे दिए, वही बंदा है वो जो सुक्का वाला बंदा है ना, जो कपड़े नहीं पहना था। मैं बोला यार कमांडर है तो कमांडर के लिए थोड़े अलग से कपड़े देने चाहिए, तो भाई इसको मैंने दे दिया अपना रेड स्कल का जो कपड़ा था ना, मतलब जो अपना लीडर था वही। और ये देखो भाई, इतना ज़्यादा पैसा हमने जो ड्रग्स वहाँ से लिया था ना भाई, बेच बेच के इतना ज़्यादा पैसा इन लोग ने कमा लिया है, जो कि बहुत कम है भाई, बट चलो यार इनके लिए बहुत है यार, मतलब इनके लिए तो बहुत है भाई। अपन लोग तो अमीर हो चुके हैं, बट एक टाइम पे अपने पास इतने भी नहीं थे, तो यार चलो अभी तो शुरुआत हो रही है। और ये लोग माल वगैरह जमा कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, बहुत माल जमा हो गया गाइस, एंड माल भी ना एकदम कड़क नज़र आ रहा है। चलो यार ऐसे ही काम वगैरह करते रहो, और माल वगैरह जो भी है ना भाई, सारे सिटी में लॉस एंजेलिस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। ये देखो वैसे ये माल चढ़ा रहा है ट्रक के अंदर, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक से बांधना वरना कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए, वरना रास्ते में कोई पुलिस वगैरह पकड़ ना ले, और मेरा नाम आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि यार देखो अपने गैंग में ना एक चीज़ की कमी है भाई, ये कह रहा है कि देखो बालास वालों के पास ब्लू वाली कार्स होते हैं एंड वेगास वालों के पास येल्लो, तो एक हमारी भी ऐसी कार्स वगैरह की ना एक वो होनी चाहिए। ऑल राइट यार, ये भी सही बात कही इसने, ये कह रहा है कि मतलब हमारी गैंग के लिए बिना सेम कलर्स की कार वगैरह होनी चाहिए। तो अपने टीम का नाम रेड किंग है ना, तो एक काम करते हैं कमांडर, एक काम करते हैं, टेंशन मतलब मैं सोचता कुछ। तो गाइस हमारे भी ना एक गैंग के लिए ना सारे के सारे रेड कार्स होने चाहिए, क्योंकि अपने टीम का नाम है रेड किंग्स है। सो मैं सोच रहा हूँ हर चीज़ लाल होनी चाहिए, क्या बोलते पब्लिक, जो कि ना एक बढ़िया वाली फीलिंग वगैरह आएगी, जैसे बलास की ब्लू, वेगास की येल्लो होती है। और ये पता नहीं किसको कूट रहे भाई, ठीक है कूटो यार, सारा कुछ किया होगा, ठोको साले को, पता नहीं क्या क्या अभी यहाँ पर गए, सब कुछ हम लोग तो देख नहीं सकते ना, अभी जो भी चल रहा है इतना बड़ा गए, यहाँ पर अलग ही दुनिया चल रही है, कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है कोई, यहाँ पर पता नहीं गए, छोटी सी एक दुनिया बन चुकी है इधर भी। चलो अच्छी बात है यार, अभी बड़ा वाला एम्पायर खड़ा कर रहे हैं अपन लोग, अपना जो कमांडर है वो सब कुछ हैंडल करेंगे, जो भी बड़ी चीज़ होती है वो हमें बताएंगे। तो ठीक है यार, अभी उसने मुझे बुलाया था एंड कह रहा था कि अपने को जो जो चाहिए, तो ठीक है यार मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले, इतनी सी हेल्प तो हम लोग कर देंगे। और इसमें बहुत कुछ गन वगैरह भी आ चुके हैं, ठीक है ना, भी गन वगैरह भी आ चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है अपने गैंग बेस पर, बस थोड़ा और पैसा आने दो, अभी इन्हीं के पैसों से हम लोग एक और बड़ा वाला सेक्शन वगैरह खरीदेंगे बेस वाला। अभी यहाँ पर छोटे मोटे घर वगैरह तो है, ठीक है ना कमांडर यार, अभी सब कुछ टेंशन मत ले, अभी सब कुछ मैं देखता हूँ एंड एक बढ़िया वाला बेस देखता हूँ अगर जहाँ पर ना। और ये कह रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं डेली के, गाइस ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं, करेंगे यार अभी सेक्शन बड़ा करना होगा। वैसे अभी अपने ये देखो यार क्या हालत हो चुकी है, मतलब ये इतना वीक गेट है ना इसको, मतलब ठीक है चलता है कोई बात नहीं, ये बेस का भी वैसे अच्छा लग रहा है, बट करेंगे कुछ। और फटाफट से चलते हैं एंड गाइस देखते हैं गाइस क्या सीन, अभी कार्स वगैरह का इनका कुछ मैं जुगाड़ करता हूँ। वैसे अपना खुद का शोरूम है भाई, अपना खुद का शोरूम बिजनेस है, तो यार अपन दूसरे के पास क्यों जाए, समझ रहे हो, मतलब अपना खुद का शोरूम है तो मैं दूसरों के पास क्यों जाऊँ, मैं खुद डीलर से बात करके एक सस्ते में होलसेल पे ही मंगा सकता हूँ, मतलब फालतू का ना दूसरों को प्रॉफिट दिलवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अपने पास कुछ अवेलेबल चीज़ें, कुछ यूनिक चीज़ें मैंने बनाई रखी है, आपको दिखाते हैं एंड वहाँ पर ही आपको दिखाना पड़ेगा। एंड गाइस बहुत बढ़िया चीज़ मैंने एक मॉडिफाइड की है, हमारी जो मैकेनिक्स है ना शोरूम में, उन्होंने एक बढ़िया चीज़ एक कंबाइन की है, जो कि बहुत बढ़िया लग रही है मुझे तो, बट चलो आपको भी शो कर देता हूँ एंड आप लोग को भी पता चलना चाहिए। और गाइस यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एरिया है ना इसको खरीद लूँ, और ये जो ओपन लग रहा है यहाँ पर भी दीवार वगैरह बनवा दें, आप लोग क्या बोलते हो। सो चलो फटाफट। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली लोग आ चुके हैं हमारे वाले शोरूम में, और यहाँ से हम लोग
अपनी गैंग्स के लेना यहाँ पर सारे के सारे वगैरह ऑर्डर वगैरह दे देंगे यार, दूसरों के पास क्यों जाए, अपन खुद का अपने पास शोरूम है एंड हम लोग खुद डीलरशिप वगैरह कर सकते हैं। सोच चलो यार अभी फटाफट से इधर से हमें यहाँ पर एक सेकंड, ये मेरे को भाई ठीक से लैंड वगैरह ही नहीं होती है, पता नहीं उसको एक फ्लैट प्लेस चाहिए बिल्कुल ही, वरना भाई ये क्या ही बोलूँ प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। सोच चलो यार फटाफट से ना अब एक बढ़िया सी ना आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि एक मॉडिफाइड करीबी कार है, मतलब जो कि ना एक बढ़िया कर दी है एंड चलो एक बार देखते हैं। और गाइस एंड सब कुछ ना रेड कलर के चाहिए अपने को, ठीक है ना, हर कार रेड चाहिए। सो चलो यहाँ पर भी नया वाला स्टॉक आया हुआ है, आई थिंक मैनेजर ने मंगवाया सब कुछ तो वही हैंडल कर रहे हैं वैसे। एंड चलो यार फटाफट से यार मैनेजर से भी मिल लेंगे और भाई धंधा कैसे चल रहा है, प्रॉफिट वगैरह हो रहा है कि नहीं भाई वो भी देखेंगे। वैसे बैंक में ये मेरे सेंड कर देता है जितना भी प्रॉफिट वगैरह होता है, बट यार अभी एक दो हफ्ते से ना भाई मेरे बैंक अकाउंट में पैसा वगैरह आ नहीं रहा है। और ये देखो यार ये पता नहीं कौन सी कार इसने मंगवाया जो कि एकदम बढ़िया नज़र आ रही है, ठीक है यार बढ़िया नज़र आ रही है एकदम ना, इसकी स्पीड वगैरह भी भाई पता नहीं कैसी है, बट भाई ये गैंग के लिए मेरे को बढ़िया लग रही है, बट इसका रेड कलर होना चाहिए था यार, बट चलो कोई ना एक बार कर लेंगे यार, रेड कलर क्या है अभी कभी भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइज आप लोग को ना मैं ये एक चीज़ दिखा रहा था, अभी ये देखो ये हम लोग ने मॉडिफाइड की है, ये कौन सी कार है आप लोग मेरे को चैट में बताना, जो भाई GTA 5 देखते हैं उनको तो पता ही होगा बट जिसको नहीं पता भाई वो बताना एक बार गाइज, एंड आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इस कार का नाम ज़रूर बताना। एंड गाइज देख रहे हो क्या ही मॉडिफाइड किया है इसको, और इसका कलर भी लाल है एंड गाइज बिल्कुल ही एकदम बढ़िया है भाई साहब, देख रहे हो 10 टायर वाले है गाइस ये, और 10 टायर्स किए गए समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 10 टायर्स मतलब इसको हमने वो किया है, मतलब आराम से वरना अभी ना अभी अभी नहीं खा रहे वरना फालतू का भाई ठुक बिक गया ना भाई प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी। सो चलो यार ये अपने जो मैकेनिक्स है ना भाई जो साइड लेफ्ट साइड में वो लोग काम कर रहे हैं और फटाफट से इसको आराम से ना भाई साहब निकालते और आपको इसकी स्पीड वगैरह चेक करवाता हूँ एंड इनको बोल देगा स्पीड वगैरह बढ़ाओ यार, आपकी जो कार्स की स्पीड है ना वो ज़्यादा स्लो होती है। अरे आराम से भाई निकलेगी क्या, मुझे नहीं लग रहा निकलेगी यार, निकल जा बस। ओ शिट भाई साहब बहुत ज़्यादा ही, ओ अरे यार टायर लगा बस, चलो कोई बात नहीं टायर लगाए बस भाई, सारे दोनों नए कार से भाई सामने भी और पीछे, ओ शिट क्या ही निकाला हूँ यार एकदम भाई, मैं तो हैवी ड्राइवर बन गया यार, क्या ही ड्राइव कर रहा हूँ भाई कसम से, निकलेगी क्या यहाँ से, ओ शिट 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 भाई हेवी ड्राइवर यार, थोड़ा सा टच हुआ क्या, अरे यार शिट हुआ ही आई थिंक, थोड़ा सा हुआ ज़्यादा नहीं हुआ, चलो इतना तो चलता है। और चलो फटाफट से इसकी एक बार स्पीड वगैरह चेक करते हैं और गाइस ये अपनी गैंग के लिए कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना गाइस, मतलब इसको मॉडिफिकेशन किया है ये कार को, मतलब एकदम बढ़िया लग रहा है, पीछे सामान वगैरह लोग भी बैठ सकते हैं एंड भाई साहब स्पीड भी अच्छी है एंड स्पीड देखेंगे अगर बढ़ती है तो फिर बोल देंगे कि बढ़ा दो भी, 200 के पार तो जानी चाहिए भाई कैसे भी करके ना, 200-250 तो पार होनी चाहिए भाई, सामने से कार सारे वरना ठुक गए ना फालतू का भाई गंदा वाला नुकसान हो जाएगा अपना। चलो स्पीड तो भाई जैसे 200 प्लस तो चली जा ही रही है उसकी, वैसे इतना तो हमको चाहिए एंड भाई एकदम मजबूत कार है भाई, ऐसे वैसे नहीं है समझ रहे हो, एकदम मजबूत कार वगैरह चाहिए। और एक सेकंड यार गलती से यार ठुकी गई गाड़ी, मेरे से भाई गाड़ी ठुकती है, मैं ड्राइवर गंदा वाला ड्राइवर हूँ यार बहुत गंदा वाला, चलो कोई बात नहीं, वैसे अपन माफिया भाई ड्राइवर वगैरह थोड़ी ना जो बढ़िया वाली कार चलाए, चलो वैसे भी यार गाइस कार तो अपन लोग बढ़िया चला ही लेते बट टक्कर वक्कर मारना अपने खून में है समझ रहे हो। तो चलो यार फटाफट से अभी और भी कार्स वगैरह देखते हैं और ये देखो गाइस ये जो कार दिख रही है ना भाई यही कार को हमने मॉडिफिकेशन करवाया है, मतलब ये कार का नाम आप लोग वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोग को पता है बट फिर भी यार आप लोग चैट में लिख देना यही कार का अपने मॉडिफिकेशन करवा के जो आपने ड्राइव किया ना उसको चेंज किया है। सो ठीक है यार अभी और भी कुछ माल वगैरह देख लेते हैं, अपनी मोस्टर सिक्योरिटी इधर लगी हुई है जो कि सब कुछ कर रही है और यहाँ पर स्टॉक में तो भाई बढ़िया बढ़िया कार्स अवेलेबल है भाई, डेली यहाँ पर कार्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। ठीक है यार भाई माल वगैरह बिक रहा है अपना गाइस, अच्छा खासा ना बिज़नेस वगैरह चल रहा है बट अभी और बड़ा वाला बिज़नेस करना है यार, छोटा मोटा बिज़नेस नहीं करना है। और ये भाई साहब ने नई कार खरीदी है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, फ़ोटो वगैरह अपना कैमरामैन भी है, बेस्ट सर्विस देते भाई अपनी शोरूम वाले, मतलब कार लेते तो भाई फ़ोटो वगैरह फ्री। और यहाँ पे अपने काउंटर वाले लोग कैशियर्स और मैनेजर से मिलते हैं और उसको बोलता हूँ यार कि फटाफट से ना भाई ऑर्डर ले ले, मतलब जो भी है मैनेजर कहा गया भाई, यहाँ पर अपने वर्कर्स सारे के सारे लगे हुए समझ लो और सबको पेमेंट दे रहे भाई, यहाँ पर लगता है डील वगैरह चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं करो आराम से करो, पता नहीं कौन सा डीलर है
और यहाँ पे मैडम जी भाई सब चलो सब कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर वर्कर्स भी है और अपना जो मैनेजर है ना उससे भाई बातचीत वगैरह करेंगे। एंड भाई वो एक हफ्ते से मेरे को मिला ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया पूरी एक सेकंड। मैनेजर कहाँ गया भाई, मैं इसकी यार मैनेजर दिख ही नहीं रहा मुझे तो यार, मैनेजर कहाँ गया? उसको बोलना था यार सारे के सारे कार्स, चलो अभी यहाँ पर ये को मैनेजर आई थी, पता नहीं कौन है इसको बोल देते हैं। वैसे शोरूम तो अपना ही है, सब कुछ बेरी ने अपने को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लगा के दिया है। अरे मैडम जी जब भी मैनेजर आए ना उसे बोल देना कि यार माइकल से बात वगैरह कर दे, कॉल वगैरह कर देना ठीक है ना। एंड चलो यार ये जापानीज़ पता नहीं चाइनीज़ है जो भी है इसको मैंने बोल दिया है और ये कह रही है कि ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई साहब उसको बोल देंगे, आप लोग को कौन सी पसंद है आप लोग बोल देना, मैं उसको बोल दूँगा ठीक है ना। एंड ओ शिट ये दरवाज़ा क्यों बंद रखा है, सॉरी दरवाज़ा। ऑल राइट भाई गेम तो नहीं खेल रही ना भाई, काम चल रहा है ना मैडम, चलो ठीक है काम करो बढ़िया सा। भाई क्या डिस्प्ले बंद रख के काम कर रही है, ठीक है यार भाई सब कुछ काम वगैरह चल रहा है और अभी ठीक है ठीक है। अभी तो यार शोरूम वैसे बढ़िया है, सोच रहा हूँ एक और बड़ा वाला शोरूम खरीद लूँ, वैसे कस्टमर ज़्यादा दिख नहीं रहा यार गाइस, वैसे यहाँ पे डील वगैरह मीटिंग वगैरह होती है बड़े बड़े कंपनियों की। बट ठीक है चलो फटाफट से और अपन लोग देखते क्या सीन है भाई, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है शोरूम में। और यहाँ पर एक सेकंड ये वाली कार नहीं आई है भाई, मैं देखा नहीं कभी, एक बार ड्राइव करके देखे क्या? चलो एक बार ड्राइव करके देख ही लेते हैं, अगर इसकी स्पीड अच्छी रही तो आप लोग बताना, इसका नाम भी बताओ चैट पे इसका नाम क्या है, जो ट्रू सब्सक्राइबर मतलब जो ट्रू GTA 5 का फैन होगा वो बता देगा। एंड मुझे खुद नहीं पता इस कार का नाम क्योंकि अभी आई है तो मैनेजर को ही पूछना होगा। बट चलो एक बार ना, ओ शिट भाई बहुत बढ़िया वाली ट्रिप मार रही कसम से, कार मेरे को एकदम बढ़िया लग रही है। तो आप लोग बताना गाइस हमको जो ये मॉडिफिकेशन वाली जो हमने कार रेड वाली ड्राइव की है वो वाली लेनी है या कौन सी लेनी है, आप लोग चैट में मेरे को नाम बता दो, या वो वाली मैं डीलरशिप से डील करके मंगवा दूंगा, या ये वाली कार बताओ या अभी जो मॉडिफिकेशन करवाई है ना वो वाली, ये दोनों में से बताओ रेड और ब्लैक में से ठीक है ना। अगर आपको दूसरी कोई अगर कार्स वगैरह अच्छी लगती है तो मेरे को उसका नाम लिख दो। और कुछ बंदे बोल रहे हैं बेंटली लो बेंटली लो, भाई यार बेंटली वाली कौन सी कार है, क्योंकि बेंटली में बहुत ज़्यादा ही वाले अलग अलग मॉडल होते हैं तो उसका नाम बताओ यार। एक सब्सक्राइबर है मेरे को हर बार ही कमेंट करता है, बट भाई मुझे उसका फ़ोटो वगैरह तो सेंड कर दे क्योंकि अभी इतने सारे मॉडल होते हैं उसमें एंड वगैरह वगैरह क्या ही बोलूँ यार, तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ यार कौन सी उसमें से मॉडल लेना है, तुम बस कंपनी का नाम लिख रहे हो, कार का नाम लिखो ना। चलो यार फटाफट से अभी इसको एक सेकंड, भाई स्पीड देख रहे हो उसकी भाई, आई थिंक 200 के पार गई थी ना भाई, 200 के ऊपर गई थी क्या इसकी स्पीड, आई थिंक मैंने नोटिस नहीं किया, आई थिंक 200 के ऊपर गई थी। चलो यार एक तो ओ ओ ओ ओ भाई हैंडलिंग तो बहुत बढ़िया है इसकी, ओ शिट भाई ये तो गैंग के लिए एकदम बढ़िया है, मतलब हैंडलिंग चेस वगैरह करने में तो एकदम बढ़िया लगे मुझे भाई, सब बढ़िया लगेगा इस। चलो ठीक है भाई डिज़ाइन भी अच्छा है इसका, थोड़ा नया टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा फॉर्चुनर टाइप है बट सामने से थोड़ा सा अलग है, पीछे से लग रहा है फॉर्चुनर ये थोड़ा सा बट सामने से लग रहा है थोड़ी सी। चलो ठीक है यार और चलो फटाफट से अभी अपने दूसरे काम भी वगैरह करने, यार मैनेजर पता नहीं कहाँ चला गया भैंस की, यार मैनेजर से बात करनी थी मुझे भाई, पता नहीं यार भाई छुट्टियाँ वगैरह मार रहा है ज़्यादा लगता है, मैनेजर लगता है नए मैनेजर को हायर करना होगा। एक सेकंड किसी का कॉल आ रहा है गाइस, अभी ना मुझे हैकर गर्ल का कॉल आया था, वो कह रहा है कि फटाफट से जल्दी से आ जाओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और अर्जेंटली आ जाओ एंड बहुत कम टाइम बचा है। भाई किस लिए कम टाइम बचा है, क्या हो क्या रहा है कम टाइम बचा है यार, अभी फटाफट से मेरे को हैकर गर्ल के पास जाना होगा और वो उसने मुझे बुलाई है, पता नहीं क्या कह रही है और कह रही है कि फटाफट से अर्जेंट वगैरह आ जाओ, हमारे जो बेस है ना हैकर बेस, पता नहीं उसका बेस की लोकेशन उसने मुझे सेंड की है एंड कह रही है कि वहाँ पर आ जाओ, कुछ अर्जेंट भी बात करनी है और कुछ और भी सैड न्यूज़ भी है भाई, सैड न्यूज़ प्लस इंफॉर्मेशन न्यूज़ भाई दो दो न्यूज़ है भाई, क्या सैड न्यूज़ है यार। चलो फटाफट से भाई जाते हैं और लोकेशन की और पता करते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है एंड क्या नहीं है। ऑल राइट यार गाइस फाइनली ना मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ और गाइस ये अपना जो बैट वाला प्लेन है ना भाई सब एकदम बढ़िया लग रहा है, इसको फ्लाई करने में मज़ा आ रहा है मुझे, बट यार जब मैं लैंड करता हूँ ना भाई साहब बिल्कुल मज़ा नहीं आता है भाई साहब, ये बहुत मुश्किल है इसे भाई, मतलब प्रैक्टिस वगैरह चाहिए भाई, देख रहे हो भाई आराम से वरना भाई ये डायरेक्ट ना एक भी गलती वगैरह होती है ना इसका जो चेयर है ना भाई वो जंपिंग जैक जो होता है वो ऊपर फेंक देता है, समझ रहे हो डायरेक्ट फेंक ही देता है, पता नहीं गाइस क्या होता है। ये देखो मैंने आपको बोला था यार ये गलत जगह पर लैंडिंग होती है ना इसे, तो इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, जब भी मैं
लैंड कर रहा हूँ इस ज़मीन वगैरह पे ना, ये मेरे को फेंक ही दे रहा है। चलो लेट्स गो। और यहाँ पर ही वो रहती है अपनी गैंग बेस सीक्रेट जगह पर। सीक्रेट जगह तो वैसे है ये। और ये क्या था, ग्लिच हो गया क्या? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फटाफट से हैकर गर्ल को मिलते हैं। अरे कहाँ गई हैकर गर्ल? पता नहीं यार, वैसे ऊपर ही के रहती है। मैं तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ, वैसे बहुत पहले गया था मैं, आई थिंक बहुत पहले, बट अभी तो यहाँ पर ही गया। उसका सीक्रेट बेस है भाई, उसी ने इसी के अपार्टमेंट में एक ना खतरनाक वाला एक रूम बना के रखा है। यहाँ पर इसका बेडरूम है, जो कि यहाँ पे तीन वो क्या कर रहे हैं, तो अकेले रहती है ना, तीन यहाँ पर पीलोस क्या कर रहे हैं? चलो करती होगी एंड अपने को क्या, बड़ी वाली टीवी भी है। एंड इसका सीक्रेट रूम आई थिंक यहाँ पर ही होना चाहिए। एक सेकंड, इसने बोला था हाँ यही है। यहाँ पर ही एक फ्लैग वगैरह लगा है, पता नहीं कौन सा देश का फ्लैग है, आप लोग चैट में बताना। और यहाँ पर ये इसका गाइस हैकर रूम है। और एक सेकंड, इसके साथ में कौन है? चलो फटाफट से बातचीत वगैरह करते हैं, आपको बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो लेट्स गो एंड हैकर गर्ल से यार फटाफट से यार बातचीत। ऑल राइट यार गाइस, सारी की सारी बातचीत वगैरह कर दिए और बहुत गंदी वाली बैड न्यूज़ निकल के आ रही है और एक अच्छी न्यूज़ भी आ रही है। अपनी हैकर गर्ल जो है ना भाई, वो जा रही है अपने को छोड़ के। यार मतलब यार क्यों यार, इतने अच्छे टाइम पे आपको मतलब छोड़ के जा रही है अपने को, दुश्मन को वगैरह को मारना है। एंड ये कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, एक मेरी फ्रेंड है ये वाली, ये तुम्हारी हेल्प करेगी हैकिंग करने पे। यार बट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी यार। अब ये किस एंगल से यार हैकर लग रही, इतना दिमाग तो उसके पास लग नहीं रहा है, इसके पास बहुत बड़ा वाला दिमाग है। अब क्या करे यार, ठीक है। और एक अच्छी वाली न्यूज़ है गाइस, हमें ना ट्रेवर का एक प्लान पता चला है। मतलब उसका फ़ोन तो हमने पहले ही हैक कर रखा है और उसकी सारी बातचीत वगैरह इसने सुन ली है। और वो कह रही कि अभी ना ट्रेवर एक बड़ा वाला प्लान कर रहा है, एक गंदा वाला अटैक कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, तो आपको बताऊँगा। बट यार मेरे को बुरा लग रहा है यार, अपनी जो हैकर गर्ल है वो अपने को छोड़ के जा रही है। तो चैट पे लिख देना मिस हैकर गर्ल लिख देना, या इसका नाम मिस हैकर लिख दो यार, मिस करेंगे इसको ज़्यादा। चैट पे लिख देना हैशटैग मिस लिख देना या मिस लिख दो, तो मेरे को समझ आएगा हम लोग इसको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे यार। अब क्या ही करें यार, अब ये नई वाली हैकर गर्ल है, इसको पता नहीं कुछ आता है वगैरह नहीं है, उसको कुछ एक सीक्रेट मतलब मिशन के लिए जाना है, पता नहीं कहाँ जा रही है। इसने मुझे ज़्यादा बताया नहीं, बस कह रही है मुझे भाई सीक्रेट काम है। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से काम कर रही है अपने लिए, थोड़ी वेकेशन वगैरह तो चाहिए ना, एंड आराम वगैरह तो चाहिए। ठीक है यार छोड़ो गाइस, अब क्या ही कर सकते हैं। अरे फैस किया आराम से गाड़ी चला यार, छोड़ो इसको, मार भी नहीं सकता, मार तू क्या साले को, छोड़ो अभी इतना टाइम नहीं है। अब क्या ही बोले, इसने मुझे बताया कि जो ड्राइवर है ना, एक बड़ा वाला अटैक करने का सोच रहा है एक आर्मी बेस पर। मतलब ये बंदा अटैक करने की सोच रहा है और अपने कुछ पावरफुल बंदों के साथ, इसके जो स्पेशल कमांडोस इसकी हेल्प करने वाले हैं, घोस्ट मास और उसका जो मिशन है ना, वो आर्मी बेस पे जाके जो भी हाईटेक वेपन्स जो अभी अभी आए हुए हैं, मुझे नहीं पता अभी आए होंगे मिलिट्री बेस पे, वो चुराने वाला है। और गाइस यार मुझे अब समझ नहीं आ रहा, अब मैं ट्रेवर को मुझे मारना नहीं है ठीक है ना, क्योंकि यार देखो अभी मैं सारे अपने फ्रेंड को मारूंगा तो मेरे सारे सिक्योरिटी जो है ना सबको लगेगा कि मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ है। तो चलो फटाफट से लोकेशन की ओर चलते हैं। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना भाई मैं आ चुका हूँ आर्मी बेस पर, और मुझे नहीं पता ट्रेवर क्या कर रहा है इधर। और वो कह रहे हैं कि ये वो हैकर गर्ल ने मुझे कहा कि वो ना अभी अभी आने वाला है, एंड उनका प्लान है कि जो आर्मी बेस पे जो न्यू अभी वेपन्स आए ना, हाईटेक वेपन्स वाले, वो अभी चोरी करने के लिए आने वाला है, क्योंकि आपको पता है हाईटेक वेपन्स इतने जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ आर्मी वालों को ही दिया जाता है। तो यार वो उसका प्लान है कि वो सारे के सारे हाईटेक वेपन्स चोरी करके ना भाई हम पे हमला करेगा और मेरे सिक्योरिटी को आराम से मार सकेगा, क्योंकि आपको पता हाईटेक वेपन्स बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं एंड उनको हराना मुश्किल हो जाता है। एंड इसमें वेस्ट वगैरह भी वो चुरा रहा है, एंड पता नहीं गाइस क्या क्या कर रहा है। तो यार फटाफट से यार मैं विदाउट कोई टाइम पास किए भाई आर्मी बेस पे आ चुका हूँ, और आज अपनी कोई सिक्योरिटी वगैरह मेरे कोई साथ में नहीं है भाई, बट आज की कुछ है भी मतलब ज़्यादा कुछ प्लान वगैरह मेरा था नहीं, बट अभी इसका ही प्लान चल रहा है ड्राइवर का।
तो यार मैं ट्राई करूँगा कि इसका प्लान पूरा फेल करूँ, बट यार आप लोग कह रहे हो कि ड्राइवर को मार दो। यार अगर मैं ड्राइवर को मारूंगा ना, गाइस उसने मुझे कहा कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बट वो तुम मुझे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आने वाला, ना ही तुम मेरे रास्ते में आओ, और ना ही मुझे तुम्हें मारना है। तो उसने मुझे ऐसा बोला है, आपको याद ही होगा पिछले एपिसोड में उसने मुझे कॉल करके बोला था, यार देखो तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, बस तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मैं इसके ज्वाइन गैंग में ज्वाइन कराऊँ और तुम मुझे कुछ मत करना। यार वो ऐसा बोला है, तो यार अब इसको मैं मारूंगा तो फिर से गाइस वो लोग बोलेंगे कि यार देखो धोखा कर रहा है, एंड फिर से अपने जितने भी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह सबका अपना ट्रस्ट टूट सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। एंड दोस्ती भाई यार क्या ही बोलो यार, मैं ना कन्फ्यूज़ हो, एंड आप लोग कह रहे हो कि यार ड्राइवर को मार ही दो, बट यार एक बार चांस देख के देखते हैं गाइस क्या करें, अभी वेट करते हैं यहाँ पर, क्या पता इधर तो कोई दिख नहीं रहा है। वो कह रहा है कि अभी वो निकला नहीं है ड्राइवर, क्योंकि इसका फ़ोन ना हैक करा हुआ है, हैकर गन में, अभी वेट ही करते हैं एंड पता करते गाइस वो कब आने वाला है एंड कब नहीं। सो लेट्स गो। ऑल राइट यार थोड़ा अभी एक घंटा हो चुका है, और एक सेकंड यहाँ पर एक ब्लैक कार आ रही है, एक ब्लैक कार आ रही है जो कि मिलिट्री के बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। एक सेकंड, मिलिट्री के तो नहीं है ना, ये पहाड़ पे कहीं आ रही है भैंस क्या वो, एक सेकंड वेट वेट वेट, हाँ ये पहाड़ पे किधर जा रही है भाई, ऊपर चले गई कार, ये ऊपर जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है पक्का ड्राइवर है, एक बार जाके देखना चाहिए। एंड लेट्स गो एंड फाइंड आउट करते हैं, और ये क्या पता यार वो बंदा क्या प्लान है मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि ये इसका जो मास्टर है ना गोस्ट मास्टर, वो बंदा बहुत ज़्यादा ही मास्टर प्लान है, इसके पास बहुत कुछ मतलब है, समझ रहे हो, बहुत पावरफुल इंसान है वो। सो लेट्स गो एंड एक बार चेक वगैरह करते हैं और पता वगैरह करते हैं। एक सेकंड गाइस कहाँ गया बे भाई, नज़र नहीं आ रहा, एक सेकंड, वो रहा वो देखो वो दिख रहा है क्या भाई, मुझे ना देख लिया भाई, मुझे आराम से ना झाड़ियों के पीछे छुपना होगा भाई, पता नहीं वो उधर ही कहीं आर्मी बेस पे नज़र रख रहा है, थिंक पता नहीं क्या प्लान है इसका, मुझे खुद नहीं पता यार, मास्टर प्लान है भी, हैकर गर्ल ने कहा पता नहीं बोला नहीं, सिर्फ कहे कि लोकेशन पे जा रहा हूँ। ओके यार अभी फटाफट से अभी मुझे ना थोड़ा सा भाई देख के रह लूँगा, क्योंकि उसने कहा कि अभी इसके ना कुछ स्पेशल कमांडोज है, स्पेशल समझते हो, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि इसको गोश्त मास ने दिया, अभी मुझे हैकर गर्ल ने इन्फॉर्म किया था, और वो बंदा बायनोकुलर से उधर कहीं झांक रहा है, देख रहे हो हैस की आँख, मैं उसको पीछे से देख रहा हूँ एंड वो उधर से देख रहा है भाई इसको। मैं एक सेकंड गाइस, भाई मेरे फर्स्ट फुल चांस है इसको मारने का, बट मेरा दिल कर रहा है कि इसको मत मार यार, क्योंकि यार ये मेरा बहुत अच्छा वाला फ्रेंड है यार, कसम से इसने मेरे साथ धोखा तो किया है, बट मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरी गलती है कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ एंड इसको रिस्पेक्ट नहीं किया हूँ, मुझे ही लगता है यार मेरी गलती है गाइस, क्योंकि मैंने इसको अभी बचाने में टाइम किया है, अभी मेरे को लगता है कि यार ये मेरी सब कुछ गलती है, क्या पता गाइस हर टाइम अपन तो सही नहीं हो सकते ना, अब मेरे वजह से यार अगर मैं इसको मार दूंगा तो गाइस फिर मैं ना ज़्यादा ही सेल्फिश वगैरह दिखूंगा, सो मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इससे फिर से दोस्ती वगैरह करूँ एंड फिर से हमारी जो पुरानी दोस्ती है ना भाई, कितने बड़े बड़े रोबरीज वगैरह पार्टी वगैरह हमने किया है साथ में, बट उसने मुझे बोला है कि यार देखो अब हम लोग क्या ही बोले गाइस, उसने मुझे कॉल करके भी बोला था कि यार तुम मेरे से दोस्ती मत रखो एंड मतलब दोस्ती मतलब ऐसी वाली मतलब अनजान हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा ना ही मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मुझे तुम भूल जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ तुम अपना काम। अब पता नहीं गाइस वो अभी किसी को फ़ोन पे कॉल कर रहा है, पता नहीं यार क्या सीन है इसका, प्लान वगैरह क्या है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है वो देख रहा है कितने आर्मी के बंदे हैं। एक सेकंड मैं यहाँ पे अपना थर्मल ऑन करके देखता हूँ भाई, ज़्यादा चार ही बंदे, मैं इसको आराम से पीछे से मार सकता हूँ इतने स्नैपर शॉट से, बट बहुत ज़्यादा ही चांस है मेरे पास, बट ठीक है यार अपन ट्राई करेंगे इसको दोस्ती करवाने का एंड उसको बोलेंगे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ भाई। अब क्या ही बोले यार, गलती दोनों की साइड से होती है, एक हाथ से डाली तो नहीं बचता है ना, चलो कोई ना मैटर सॉल्व करेंगे, भाईचारा ऑन टॉप करने की कोशिश करेंगे, बट अपना जो दुश्मन है गोश्त माल उसको मारेंगे भाई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रेवर मेरे टीम में ज्वाइन कर ले और उसको धोखा दे गोश्त मास को और उसका काम ख़त्म करे, समझ रहे हो, मतलब अपन भी कुछ मास्टर प्लान वगैरह करेंगे ना, अपन थोड़ी ना बुद्धू की तरह अपने फ्रेंड को मारते रहेंगे और उसने भटकाया है अपने दोस्त को, समझ रहे हो,
वो जो अपना दुश्मन है घोस्ट, उसने अपने फ्रेंड को भटकाया है, मतलब उसके जाल में लिया है। वैसे क्या मैं फ्रेंड को मार दूँ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो चलो यार, एक सेकंड वो पीछे आ रहा है, पता नहीं गाइस कहाँ गया है भाई, अंदर तो नहीं गया ना। एक सेकंड, अंदर जाएगा तो मरेगा भाई, अंदर सामने गेट के सामने इतने भाई आर्मी के लोग खड़े हैं भाई, कैसे अटैक करेंगे? ये बेवकूफ़ है क्या? और ये बेवकूफ़ लग रहा है, आर्मी बेस पे कौन अटैक करता है भाई? भाई मतलब बिल्कुल ही नॉनसेंस वाला, पता नहीं अब गोश्त मास ने कुछ प्लान वगैरह किया होगा भाई। वो बंदा बहुत खतरनाक है, तो मैं फटाफट से अभी ना कर्नल को कॉल करता हूँ, क्योंकि उसको बताता हूँ कि मेरा फ्रेंड है, उसको माफ़ कर दो यार, उसको मारना मत एंड वगैरह बोलते हैं, अटैक वगैरह होने वाला है, तो रेडी रहो, एयर डिफेंस सब कुछ रेडी कर देना। तो फटाफट से कॉल करता हूँ उसको एंड बताता हूँ क्या सीन है और क्या नहीं है। सो चलो यार, ऑल राइट यार गाइस, मैंने सारा कर्नल को ना भाई सब कुछ फ़ोन करके बोल दिया है एंड मैंने कह दिया कि आर्मी बेस पे भी अटैक वगैरह हो सकता है। वो कह रहा है कि आर्मी बेस पे अटैक करना इतना ईजी नहीं है भाई, पता नहीं यार। चलो अब क्या सीन है मुझे कुछ नहीं पता, अभी आर्मी वाला पहले से रेडी होते हैं वो लोग एंड मैंने भी उनको बता दिया। अरे गाइस अभी ना एक प्लेन आया था और आप लोग देखा पता नहीं गाइस, एंड अभी एक प्लेन आया था उसमें से लग रहा है, मुझे लग रहा है ट्रेवर ने जंप किया भाई। वो प्लेन गया सामने से और उसमें ना ट्रेवर था भाई, इसकी आँख भाई क्या बंदा डायरेक्ट जंप कर दिया, इतना बेवकूफ़ इंसान है भाई, पक्का ये बंदा बेवकूफ़ है भाई, मतलब ऐसे कौन अटैक करता है, मतलब भाई साहब मतलब डायरेक्ट जंप कर लिया भाई ट्रेवर, एकदम क्रेजी है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे लिख दो क्रेजी भाई, मतलब क्या ये बंदा पहले ही क्रेजी है और ये क्या क्रेजी वाली हरकत कर रहा है भाई, इसको मौत का डर ही नहीं लगता है, मतलब इसका भाई ये बंदा पागल है भाई, बिल्कुल ही पागल बंदा है यार। चलो भाई अंदर जाते हो और भाई पता करते क्या सीखे भाई, बोलियो बोलियो की आवाज़ आ रही है अंदर भाई, गंद खतरनाक। अरे यार, अरे जाने तो मुझे अंदर फटाफट से, क्या हो गया भाई? ये कह रहे कि तुम अंदर जा नहीं सकते, अरे मैं पता है ना मैं कौन हूँ। अरे भाई मैंने मिलिट्री वालों की हेल्प की है, प्रेसिडेंट की हेल्प की है, चाइना वालों को भगाया है भाई, अभी भी चाइना वाले हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। और कितने ज़्यादा मैंने हॉस्टेजेस की जान बचाई है, इन लोग को पता नहीं है माइकल कौन है, ये कह रहे हैं कि हमें क्या पता यार, इनको फटाफट सारी चीज़ बताता हूँ एंड देखते हैं। ऑल राइट यार, सारी की सारी इनको बता दिया है, अभी इन लोग को पता चला है कि माइकल कौन है यार। इस क्या यार, ये आर्मी वालों के पास फ़ोन वगैरह होता है कि नहीं? अभी कोई बात नहीं, इनको पता चल गया है माइकल कौन है यार। अब इतनी ज़्यादा मैंने मिलिट्री वालों की हेल्प की है गाइस एंड इन लोग को पता ही नहीं यार भैंस की आग मैं कौन हूँ यार। अभी लग रहा है यहाँ पर गोलियाँ वो लोग की आवाज़ मुझे आ रही थी, अब कुछ भी नहीं आ रही है, अब पता नहीं क्या सीन है भाई, मुझे लग रहा है मार दिया गया ट्रेवर को यार। नहीं यार मैं भाई पता नहीं क्या सीन है यार, फटाफट से जाना होगा यार, क्या सीन है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ट्रेवर जिंदा है कि नहीं, एक सेकेंड, ये क्या सीन है भाई, इतने ज़्यादा आर्मी के हैं भाई, आर्मी बेस पे आर्मी वाले तो होंगे ना, और बेचारा अकेला आया है सबको मारने के लिए और गन वगैरह चोरी करने के लिए। भाई तो माइकल नहीं है जो अकेला आएगा वन मैन आर्मी की तरह और सब कुछ चुरा ले जाएगा जैसे हमने पहले चोरी किया था भाई। माइकल माइकल होता है, ट्रेवर ट्रेवर होता है, बट भाई मैंने इसका प्लान फ्लॉप करवा दिया एंड ये देखो भाई यहाँ पर। अरे कर्नल साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार इधर देखना, देखो यार वो मेरा फ्रेंड है ठीक है ना, आप एक काम करो उसको मारो मत जान से प्लीज़, उसको आप उम्र कैद की सजा दे दो, उसे जेल में बंद कर दो, बट यार मारो मत यार ठीक है ना यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपकी इतनी हेल्प की है, बट इसको मारो मत, इसको ज़िंदगी भर जेल में रखो बट मारो मत यार प्लीज़। गाइस देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कर्नल से एंड कर्नल कह रहा है कि यार उसने आर्मी बेस पर अटैक किया है भाई, मतलब चोरी करने का वो किया है, हम लोग ऐसे कैसे नहीं यार। देखो सर जी अब क्या बोलूँ यार, आप समझ ही सकते हो यार, दोस्त है अब उसको आप को उम्र कैद के साथ दे सकते हैं ना, अभी मारने से तो क्या होगा, अभी अब क्या ही बोलूँ यार। कर्नल कह रहा है कि यार देखो ऐसे तो हो नहीं सकता, हमें इसको मारना ही होगा एंड वगैरह वगैरह, एंड ये इतना बड़ा वाला इसमें हाईटेक वेपन्स लगे थे एंड सब कुछ, ये चोरी वगैरह करने आया था एंड ठीक है यार। कर्नल साहब देखो अभी उसने कुछ किया तो नहीं ना, मतलब किसी को मारा तो नहीं है ना, बस वो आया है आर्मी बेस में। एक सेकेंड, ये मिसाइल कौन छोड़ रहा है भाई? वेट वेट वेट, ये कहाँ से आ रहे हैं मिसाइल?
भाई कर्नल कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, मुझे क्या पता कोई रॉकेट छोड़ रहा है भाई फोन से, भाई तुम्हारे ड्रोन सिस्टम काम नहीं कर रहा है क्या इधर? वो यहाँ पे फायर कर रहे हैं, अरे 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 मारो मत मारो मत, अरे भाई साहब अरे यार रुक जाओ प्लीज, वो शिट क्या हो रहा है? अरे वो लोग कहाँ से आ गए? अरे बोलो मैं हेलीकॉप्टर की आवाज़ है मुझे, मतलब प्लेन की आवाज़ है, ये लोग जंप करके इधर आ चुके, वो शिट इतनी ज़्यादा आर्मी के लोग मर चुके हैं, अरे उनके पास हाईटेक वेपन है, बहस किया, अरे यार बस भाई यही प्लान था क्या उसका ट्रेवर के बच्चे का? अब वो देखो उसके पावरफुल वाले कमांडर्स भी आ चुके हैं और सबके पास हाईटेक वेपन है, अभी हाईटेक वेपन आपको पता है गाइस बेस्ट हो या कुछ भी हो भाई कुछ नहीं देखती हाईटेक वेपन, भाई डायरेक्ट ना बस फोन देखिए भाई ट्रेवर को भाई मारना होगा यार, सॉरी गाइस आप लोग का कुछ नहीं गाइस आप जाने दो, आप कुछ नहीं भाई ट्रेवर को ने बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दी भाई, आर्मी वालों को बंदों को मार के यार, अब गाइस कुछ नहीं आप खत्म है बैठा, चल तेरे को मैं इतना बचाने की कोशिश किया भाई, मार दो सर जी मार दो, सॉरी कर दो यार बहुत ज़्यादा ही सॉरी मेरे वजह से इतने ज़्यादा आर्मी वाले लोग मर चुके हैं, रॉकेट लॉन्चर पता नहीं क्या क्या सीन है, शिट कोई ना तुम लोग वहाँ पे फाइट करो, मैं इसको मारो कर्नल साहब आराम से यार कर्नल साहब की गाइस मर गए ना प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड लॉस सैंटोस में गाइस बहुत ज़्यादा ही गंदा वाला गाइस नाम खराब हो सकता है माइकल का, आपको पता है अभी मेरे को प्रेसिडेंट बनना है बट कुछ बहुत टाइम लगता है प्रेसिडेंट बनना, मतलब कोई ऐसे नहीं एक दिन में बन जाऊँगा भाई, बहुत कुछ करना पड़ता है, नाम वगैरह कमाना होता है, पब्लिक का वो लेना होता है मतलब वोट लेना होता है एंड चलो फटाफट देना, और गाइस यहाँ पर एक सेकंड ट्रेवर की बहस क्या कहा गया, ट्रेवर कहा गया बे, वेट अरे कर्नल साहब ट्रेवर कहा गया भाई, मेरे को नजर नहीं आ रहा कहीं ट्रक के नीचे तो नहीं बैठा सबके, अरे अभी यहाँ पर ही था ना, अरे कर्नल साहब क्या, अरे किधर है ट्रेवर भाई, कर्नल साहब का तो अलग ही वॉइस छोटी गल लेके कर रहा है वो भाई, मेरे को भाई मेरे को दिखाई नहीं लगता है, मेरे कहीं नज़र मेरी खो गई लगता है भाई, इधर ही कहीं था ना वो, भैंस किया कहा गया ये कौन, अरे भैंस के अंदर ही घुस गया वो, खुश भाई उनके पास हाई टेक ऊपर ने भैंस किया भाई, फुल आर्मर वगैरह पहन के आए लोग भाई, आर्मी वालों तक को मार रहे इतने खतरनाक कमांडोस, बट अपने आर्मी वाले भी कम थे वो भी फाइट करे, अरे यार सॉरी गलती से फायर वगैरह हो चुका है, एक सेकंड भाई अभी भी फाइट वगैरह चली रही है अपने आर्मी वालों की, और भाई साहब मुझे बच के रहना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया ना फालतू का तो प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, एक सेकंड मैं मिनी गन निकाल लेता हूँ वरना ये छोटे गन से कुछ होने वाला नहीं है, एक सेकंड कहाँ गए पे मिनी गन, हाँ एक सेकंड ये रही, इधर ही गए फायर कर रहे हैं ये लोग, एक सेकंड ओ शिट आई मर ही नहीं रहा इतना पावरफुल, इसका वेस्ट टूट ही नहीं रहा है यार, गाइस बहुत पावरफुल वाली कमांडो, इन्होंने फुल आर्मर वगैरह वेस्ट वगैरह पहन के आई है कभी, रुक ओ शिट अब ब्लास्ट भी हो गया, अब जा अब तुम अभी भी नहीं मरा, व्हाट अभी भी नहीं मर रहा है, एक सेकंड साला चल निकल साला, इतने मारने की बात तेरा बाप क्या पूरा खानदान निपट जाएगा, गाइस गेम ओवर है, और एक सेकंड इसको भी मारता हूँ भाई साला, वो मर नहीं रहे यार, अभी एक काम करता हूँ अभी यहाँ पर भाई वो मिसाइल आ कहाँ से रहे कसम से भाई, कोई अटैक कर रहा है मिसाइल वगैरह से, पहाड़ों पे से आ रहे हैं वो मिसाइल्स भाई, बहुत गंदा वाला मास्टर प्लान लग रहा है इसका मुझे भाई, पोस्ट ये भी मर नहीं रही तो क्या ही फुल आर्मर वगैरह पेंट के आए हुए, कोई बात नहीं, अरे कर्नल साहब पीछे हो जाओ वरना टट्टी निकल जाएंगे तुम्हारी, छोटी गन है उसके पास हाईटेक ऊपर है भाई समझ के, चलो एक सेकंड आगे जाके मुझे कुछ करना होगा, अगर फालतू कर्नल वगैरह मर गया ना बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो सकती है भाई लॉस सैंटोस में, एक सेकंड में यहाँ पे एक सेकंड चल निकल, अब तेरा आर्मर कुछ भी हो अब तो तेरा बचा नहीं पाएगा साले, झटके के एक ही झटके में गेम ओवर है, आग ही लग चुकी है अब तेरा आर्मर गर्म हो चुका है, तेरे को जला के मार देगा, चलो यार और भी सारे बहुत ज़्यादा ही कमांडोस वगैरह ये गोस्ट मास के स्पेशल कमांडोस नजर आ रहे हैं, एक सेकंड में इसको गोली मार रहा हूँ एंड वहाँ पर रीना, मेरा एम देखो काफ़ी जा रहा है यार, ये देखो मैं मिसाइल लॉन्च कर रहा हूँ ना वो मेटल को डिटेक्ट कर रहा है, अभी बताइए जो भाई हेलीकॉप्टर वगैरह को गिराने के लिए चीज़ है एंड इंसान को मतलब ऐसे अटैक करने वाली चीज़ तो है नहीं, बट चलो यार पूरा ही वहाँ पर जा रहा ना इसलिए मैं मारा नहीं उसको, बट ट्रेवर गया का पर तुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसके आग चल निकल, ओ शिट अभी भी नहीं मरा, वो बहुत पावरफुल है यार कसम से बहुत पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था यार ये इतने पावरफुल हो गए, सिर्फ कितने थे ये भाई, सिर्फ 5 या 6 ही थे ये भाई, वो हैकर गर्ल मुझे कह रही थी ये स्पेशल कमांडोस भेजने वाला है,
और कर्नल कह रहे हैं कि यार ये बहुत गलत वाला काम किया तुम्हारे दोस्त ने, अब उसे सीधा मौत की सज़ा होने वाली है ये कह रहा है, और तुम्हें कुछ फाइन वगैरह करना होगा। यार देखो कर्नल साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? कर्नल साहब कह रहे हैं कि सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारे वजह से हमारे आर्मी के लोग मारे गए एंड बहुत कुछ हुआ है। अब यार देखो, अब तुम ज़्यादा ही मतलब अब तुम्हें एंट्री नहीं मिलने वाली है। हैस किया एक सेकंड यहाँ पर आपको बातचीत कर ही रहे थे, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह आ चुके, पता नहीं क्या सीन है, और यहाँ पे ड्रोन सिस्टम इनके इनेबल हो चुके हैं। चलो बहुत सही, और ये लोग भी लॉन्चर वगैरह निकाल दिए, और यहाँ पर इनके ड्रोन सिस्टम भी काम कर रहे हैं कि नहीं? ड्रोन सिस्टम भी यार निकलना चाहिए, अटैक वगैरह तो होना चाहिए ना। नेक्स्ट को बहुत सही, आराम से यार बस वो देखो भाई भाई साहब, ऐसे लग रहा है दिवाली बन रही है इधर, हैप्पी दिवाली एडवांस में कसम से। ये देखो यार बस भाई, यार रॉकेट भी आ रहे हैं। अरे कर्नल साहब, छोटी गन से कब तक मारोगे? आपकी छोटी गन है भाई, ऐसे कॉन्फिडेंस देख रहे हो सर का? वो देखो यार ऊपर, ऐसे लग रहा है दिवाली बन रही, अगर रात को होता ना कसम से मजा आ जाता यार। ये कोस मास जो बंदा है ना भाई, कैसे भी करके अब ये जो बैटर है ना, पहले पर्सनल हो चुका था, अब ये बैटर गाइस नेशनल लेवल पे आ चुका है। ओ शिट भाई, ड्रोन सिस्टम से भाई क्या क्या मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं, प्लस आरपीजी। ओ शिट, पूरे आसमान में रॉकेट वगैरह नज़र आ रहे हैं मुझे तो। ओ शिट, आराम से भाई अपने हाथ में गिर जाए भाई, बच गया भाई, बच गया कसम से। मारो 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 मारो, ओ वेट, ये किसका है भाई? अपना नज़र आ रहा है मुझे तो। नहीं नहीं, अपना है क्या ये? अरे अपना ही था आई थिंक, सॉरी सॉरी। ओ शिट, अरे मुझे मार रहे हैं, अरे फेड़ो, मारो मारो मारो, वेट 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 वेट, मैं इसकी आग चल निकल साले, भूख कहीं गए यार, कुछ ज़्यादा ही गए, इस गंदा वाला इस प्रॉब्लम में फंस चुके। वो अपना ही है यार, इस वो अपना ही है, अपना ही है वो, अभी अभी आ रहे हैं, अभी और अपने मिलिट्री बेस के बंदे आ रहे हैं यार। कोई बात नहीं यार गाइस, कुछ ज़्यादा ही ना गंदा वाला प्लान हो चुका है। ओ शिट गया गाइस, बहुत बढ़िया। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे लिख दो आर्मी ओपी द चैट, तो मेरे को समझ आएगा तेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो यार फास्ट फास्ट आ रही है, और एक सेकंड, ये भी अपना ही हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आ रहा है मुझे, एक सेकंड, अपना नहीं। ओ शिट, चाय मिसाइल लॉन्च किया है, गजब से यार, गजब। एक सेकंड, ये भी गया अपना, ये क्या भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा अपना कौन सा, तो एक काम करता हूँ भाई साहब, ये एक सेकंड वेट, ये कौन ले जा रहा है? अरे ये ले कौन जा रहा है? अपने आर्मी के बंदे तो ले जा रहे हैं। अरे अरे मुझे लग रहा है ये अपने आर्मी के बंदे नहीं है। अरे ये ट्रेवर तो नहीं है ना, ट्रेवर लेके जा रहा है थी, पता नहीं जो भी है। अरे भैंस किया कि आर्मी वालों को पता ही नहीं, इनको लग रहा है कि इनका ही बंदा है। अरे यार गाइस, यार अब वो टर्न मार रहा है, वेट कर रहा हूँ, फटाफट से गाड़ी वगैरह बैठते हैं। और यार ये पता नहीं कौन सी कार है, वैसे फास्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता भाई, बस फास्ट हो यार, पता नहीं किसकी जो भी है, भाई उठा के ले जाना होगा। और भाई वो अगर ट्रेवर के बंदे रहे ना, प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है उसमें, हाईटेक भी कौन से जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वगैरह है। यार ये आर्मी के बंदे यहाँ पर ही खड़े हैं, इनको पता ही नहीं क्या सीन है। चलो इसको भाई पीछा करते हैं, चेस वगैरह करते हैं। ये एक सेकंड पहले देख लूँ, ड्राइवर ही ना भाई, ड्राइवर ही है यार। भैंस किया, पहले लोन हो गया मेरे साथ, अब ये क्या था यार? वो ड्राइवर मुझे दिखा नहीं यार, वहाँ पर पता नहीं कैसे आया वो, हमने फुल रूट वाला फुल पता नहीं यार, वो लग रहा है कहीं छुप के बैठ गया होगा। यार ये ड्राइवर भी यार छोटा मोटा इंसान नहीं, आपको पता है भाई, स्पीड रुका दी इसने भाई, अब फास्ट भगा रहा है, पता नहीं लग रहा है इसको गाड़ी चलाना आता ही क्या नहीं भाई। भाई आती है, बहुत गंदी गाड़ी चलाता है वैसे ये भाई, इसको मारना नहीं है इसको, मैं समझाता हूँ इसको, प्यार से बोलता हूँ, देख भाई तेरे को पैसा वगैरह सब कुछ दूंगा एंड सब कुछ, भाई तेरे को इज्जत वगैरह सब कुछ देंगे, और तेरे को फुल हम लोग इज्जत वगैरह मतलब सोच यार, एक बार मेरे टीम में आ जा पहले, जैसे ही उसको समझाता हूँ और उसको बोलता हूँ यार, मतलब अब अपना दोस्त यार, अभी गलत फैमिली वगैरह हो जाती है गाइस, चलता है ना, अब क्या ही बोलूँ यार, वो गलत फैमिली की वजह से यार दोस्ती तोड़ रहा है बेचारा, एंड अपने दुश्मन से मिल गया। अब कोई बात नहीं यार गाइस, कोई बात नहीं, उसको मैं अपने टीम में ला ही रहूँगा, अब मारना एक ऑप्शन नहीं है समझ रहे। अगर मैं ट्रेवर को मारूंगा तो यार बहुत गलत वाला काम हो जाएगा, मतलब अभी हर चीज़ को मतलब गेम ओवर करना थोड़ी ना होता है। जैसे गोश्त मास ने ट्रेवर को नहीं मारा है, मतलब ट्रेवर मेरा दोस्त था,
और वो उसका दुश्मन था, बट उसने उसको मैनिपुलेट करके उसकी टीम में ले लिया और वो और पावरफुल हो गया। तो वैसे मुझे भी करना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, वो चाहता है कि अपन अपने दोस्त को मार के और अपने जितने भी दोस्त हैं उनका ट्रस्ट वगैरह तोड़े। तो ये प्लान मैं उसको फेल होने दूंगा, क्योंकि ये घोस्ट वाला बंदा ना बहुत ज़्यादा ही मास्टर माइंड है। एक सेकंड ड्राइवर रुक जा, मेरी बात तो सुन साले, एक बार गाड़ी रुका दे, पाँच सुन, मैं तेरे को मार नहीं रहा, तेरे को जितना पैसा वगैरह चाहिए सब कुछ मिलेगा, इज्जत सब कुछ, बस एक बार मेरे टीम में आ जा। यार रुका ही नहीं रहा है, पता नहीं चला ही जा रहा है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब एक काम करता हूँ वैसे, अब यार इतने ज़्यादा आर्मी लोग को मारा है, अभी ये लोग जिंदा तो बचने वाला तो है नहीं वैसे, इसको आर्मी वाले लोग तो मार ही देंगे भाई, वो तो 100% श्योर है। अभी कर्नल भी मेरे बहुत गुस्सा है, वो कह रहा है कि तुम अभी आर्मी बेस पे कभी आना भी मत, तुम्हारे वजह से हम इसको मारने वाले थे और तुम फालतू का टाइम पास कर रहे हो, अभी मेरे पे ही गए अलग अलग एग्ज़ाम डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि तब सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। भाई यार गंदी वाली सिचुएशन में फंस चुका हूँ, कोई बात नहीं यार, ड्राइवर रुक जा साले, तेरे को कुछ कह रहा हूँ यार, तेरे को मार तो नहीं दे रहा हूँ, अब यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मैं ट्राई करता हूँ एक बार रुकाने की। एक से वैसे ये कार भी बढ़िया है, पावरफुल लग रही है भाई। ऑल राइट, एक बार रुक जा ड्राइवर, कितने टायर है इसमें, एक काम करते हैं ड्राइवर इसके जो टायर्स वगैरह वो पंक्चर कर दो क्या, एक काम करते हैं इसके टायर वगैरह पंक्चर कर देते हैं। एक सेकंड, ओ शिट, गाइड टक्कर मारी है, एक सेकंड इसके टायर पंक्चर कर देते, हो नहीं रहे भाई, हो गए क्या, एक सेकंड, हो रहे गए इस समय, चल एक बार टायर पंक्चर हो गया ना साले का, एक बार भारी का भाई, इतना मजेदार चीज़ थोड़ी भागने वाली है, गए भाई टायर गए, सामने के भी दो, जो सामने के दो होते ना वो भी गए मेन वाले, और ये जो ट्रेलर हैं जिसमें गन वगैरह रखे वो भी फेल है। चल अब दिखा भगा के दिखा, अब साले तेरी गाड़ी 10-30 स्पीड में भागेगी और भाई 10 दिन में जाके पहुँचेगी, तब तक तो भाई आर्मी वाले आके तेरे को मार भी देंगे। साले रुक, अब तो रुक जा साले छतरी, अब तो रुक, तेरी गाड़ी भाग भी नहीं रही है गाइस, गाड़ी रुक चुकी है, अब तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, अब बिल्कुल ही स्टील पे चल रही है इसकी गाड़ी, अब इसका पास कोई ऑप्शन ही नहीं, देख रहे हो इसे, मतलब अब तो भाई रुक जा बैठ भाई, क्या ही सीन है, अभी भी रुक ही रहा है, रुक के, अरे रुक जा बैठे, अरे रुक जा बस, तेरे को दिखाता हूँ, निकल तू बाहर निकल बस, साले बाहर निकल, एक सेकेंड आ गया मैं, अरे यार ये हैकर है क्या, अरे ड्राइवर रुक जा यार, ये जादूगर है क्या, मुझे दिखा क्यों नहीं, मैं क्या करूँ को यार, अभी कहाँ जा कर रहा है अभी, एक सेकंड साला यार, इसको चेज ही करते रुके जिंदगी भर में, यार भाई वो पता नहीं कहीं कार में बैठ के जा रहा था, भैंस क्या साला, वो अब सुपर कार में बैठ गया यार, भाई ये बत्ता को मैं समझा रहा हूँ, बस एक बार इससे मैं बात कर लूँ ना, बस एक बार उससे मैं बात कर लूँ, मेरे टीम में पक्का आ जाएगा, उसको मैं थोड़ा इमोशनल वगैरह कर दूंगा एंड उसको बताऊंगा कि हम लोग यार बचपन में क्या क्या करते थे, समझ रहे, बचपन मतलब दोस्ती में, बचपन का दोस्त है नहीं वैसे, एंड उसको मैं समझाता, थोड़ा सा समझाने की बात करता हूँ यार, बस थोड़ी सी बात सुन ले यार ड्राइवर, भाई ड्राइवर सोच ले गाड़ी रुक जा, वरना तेरे पे चढ़ जाऊँगा भाई, खतरनाक वाला भाई, ये क्या हो रहा है भाई, गलत वाला सीन ना हो जाए इधर, चल भाई सेंसर वगैरह लग ना जाए, नहीं, भाई रुक जा ड्राइवर यार, बात तो सुन ले, भैंस क्या भाई बात ही नहीं सुन रहा है, पता नहीं किसकी कार वगैरह चुरा के जा रहा है यार, बात ही नहीं सुन रहा है यार, गाइस अब क्या ही बोलूं, अब उसके पास फास्ट कार है, ये टट्टी कार अब तो भागने वाली तो है नहीं, इतना तो मेरे को पता है स्पीड वगैरह कम हो चुकी है यार, गाइस शिट यार छोड़ो यार, अब वो कोई बात नहीं, उसको कैसे भी करके मैं टीम में ला ही लूँगा, उसको मारने का गाइस मैं उसको मार सकता हूँ, बट मैं मारना नहीं, आपको पता है रीज़न क्या है गाइस, अभी सारे दोस्तों को मारना गाइस अच्छा शोभा नहीं देता है माइकल के, उसको अपने टीम में ला के उसी से घोस्ट मास को मरवाऊँगा मैं, ये बात मेरी याद रखना, इसी के हाथ से, ट्रेवर के हाथ से मैं घोस्ट मास पे गोली चलवाऊँगा, समझ रही, मैं ये काम करके रहूँगा कैसी भी कुछ भी हो जाए, बस अब मेरे को भाई मारना ये गाइस सॉल्यूशन नहीं है, ये गेम पूरा मास्टरमाइंड चल रहा है, किसी को मारना वगैरह ये अपना ही नुकसान है, ये सब कुछ मास्टरमाइंड का ही प्लान है एंड मुझे वो फेल करके रहना है। अभी घोस्ट मास बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है, कोई बात नहीं, अभी फटाफट से यार, अभी वो भाई आइटम भी चोरी तो नहीं हो गए ना भाई, चोरी तो छोड़ो, चोरी तो नहीं होने तो वाले नहीं, सारे टायर वैसे पंक्चर वगैरह कर दिए, पूरे शहर में एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही मुझे तो भाई, इतनी ज़्यादा गोली वगैरह चढ़ रहे हैं, सब लोग घर में बैठ गए लगता है, आई थिंक लगता है आर्मी वाले ने भाई उनको कॉल वगैरह करके ना अलर्ट वगैरह कर दिया होगा एंड बोला होगा सब लोग घर पे बैठो,
भाई एक अटैक हो गया वगैरह। यार सब कुछ सही है, चलो एक बार चला के देखते हैं भाई, पता नहीं चलने वाली तो आए नहीं चल रही है, नहीं चलने वाली है गाइस। इसको ना भाई मैकेनिकल बुलाना पड़ेगा एक आधा, तो वैसे चलने वाला तो आए नहीं गाइस। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से आर्मी वाले को कॉल करता हूँ, इनको बुला ही लेता हूँ एंड वही लोग सब कुछ कर देंगे। ऑलराइट यार सब कुछ वगैरह कॉल कर दिया था एंड बस मुझे वेट वगैरह कर रहे हैं आर्मी वालों का। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आते होंगे बस आधा घंटे में। ऑलराइट यार गाइस, यहाँ पे आर्मी मैकेनिकल और एक आर्मी का बंदा आ चुका है और ये कह रहे हैं कि यार ठीक है यार माइकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यहाँ पर हम लोग सब कुछ इसके टायर वगैरह सब कुछ चेंज कर देंगे और आप जा सकते हो अपने आराम से, और बहुत बहुत शुक्रिया। सो यार आज का वीडियो यहाँ तक ही एंड करते हैं यार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ एक लाइक करो यार, ठीक है, प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो और वीडियो को फुल वॉच करना, मैं जब भी डालता हूँ। आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो एंड आई पूरी वीडियो देखते हो, उससे गाइस क्या होता है मुझे व्यूज़ नहीं आते एंड प्रॉब्लम हो जाती। तो आई होप आप लोग कर दोगे एंड मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।